नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, क्योंकि रिसेंट पास्ट में ही इसका IPO आया था और IPO प्राइस से इसमें करीब 88% की बम्पर या कह सकते हैं प्रीमियम लिस्टिंग देखने को मिली स्टॉक मार्केट में 15 मार्च 2021 को। IPO का प्राइस इसका ₹575 था, लेकिन जब इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई इसमें करीब ₹507 की बढ़ोतरी देखने को मिली और मात्र एक दिन में ये करीब 88% अपर साइड में क्लोज हुआ स्टॉक मार्केट में। 2021 में जितने भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट एक दिन में देखा जाए तो इस आईपीओ ने दिया है। पिछले कुछ सालों का भी बात किया जाए तो जितने भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए, मुझे लगता है शायद MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड का सबसे अच्छा और बम्पर लिस्टिंग देखने को मिला। क्या इसमें पॉजिटिव मूवमेंट और ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड का फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस करेंगे। जिन्होंने इस कंपनी का आईपीओ ले रखा है उनको क्या करना चाहिए, क्या किसी को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहिए करंट टाइम में, या जिस रेट पर ये शेयर अभी चल रहा है, इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट कैसा रहने वाला है, और साथ ही हम कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे जो उन्होंने दे रखा है इस शेयर के बारे में इन्वेस्टर्स के लिए। आगे बढ़ने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहां पे आपको अच्छी सर्विसेज मिले और मिनिमम चार्जेस देने पड़े, आप एंजल ब्रोकिंग के साथ जा सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस लिंक के थ्रू डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट आप अपना ओपन कर सकते हैं। MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर का लिस्टिंग हुए स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं दिया रहेगा, फिर भी एक नजर पहले हम डाल लेते हैं इसके ट्रेडिंग क्वांटिटी पर जो 15 मार्च 2021 को देखने को मिला। MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड का शेयर टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुआ है NSE प्लस BSE मिलाकर 15 मार्च 2021 को, ये 1.66 करोड़ है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 32.45% आ रहा है। अगर क्वांटिटी वाइज जाया जाए तो ये 53.89 लाख देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है किसी शेयर में अगर 30% से ज्यादा का डिलीवरी देखने को मिल रहा है, यानी पब्लिक में इस शेयर का हाई डिमांड था। देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे कि इस आईपीओ का लिस्टिंग करीब 90% के आसपास प्रीमियम हो सकता है, और जैसा कि हमने देखा इस आईपीओ का लिस्टिंग ऑलमोस्ट 90% प्रीमियम के साथ हुआ। ये तो रहा MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड का फर्स्ट डे परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में। आगे बढ़ते हुए हम नजर डाल लेते हैं इसके पास्ट परफॉर्मेंस जो इसने बिजनेस में कर रखा है। MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है और ये 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की बात किया जाए तो मेनली ये इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है जो एरोस्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल होता है, और देखा जाए तो ये लीडिंग प्लेयर है प्रेसिजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। जनरली ऐसा देखा और बताया जाता है जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है प्राइमरी मार्केट में, उनका मानना है कि वो अपने कर्ज को कम करना चाहते हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, या उनके पास जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना चाहते हैं जो आईपीओ के थ्रू वो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। इस कंपनी के मैनेजमेंट का भी कुछ ऐसा ही करना है, आईपीओ के थ्रू जो इनको पैसा मिलने वाला है या मिल गया वो अपने कर्ज को कम करना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा फंडिंग करना चाहते हैं, और भी कुछ जनरल रिक्वायरमेंट रहता है कॉर्पोरेट पर्पोजेस के लिए उसमें वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप किसी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं, यानी लंबे टाइम के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से आपको पता चलता है पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, और उसके बेसिस पे समझा जा सकता है वो कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। यहाँ पर मैं P&L और बैलेंस शीट का मेजर एस्पेक्ट ही कवर करूंगा ताकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा ना हो, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा क्वांटिटी लेना है इस शेयर का या बहुत ज्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिटेल एनालिसिस जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप समझ सकें और फ्यूचर में आपको अच्छा प्रॉफिट हो। अगर आपको किसी शेयर में ट्रेडिंग करना है तो शेयर का प्राइस ट्रैक कर सकते हैं, उसके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। वहां पर आपको चार्ट एनालिसिस और केवल टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझना होता है। आने वाले कुछ दिनों में वो शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है मार्च 2016 से लेकर मार्च 2020 तक, ये एनुअल रिपोर्ट है। इसका सेल्स टर्नओवर करीब 85 करोड़ के आसपास हुआ करता था मार्च 2016 में, जो बढ़ के 213.77 करोड़
अपलोड हो जाता है मार्च 2020 का जो इसका 12 महीना का एनुअल रिपोर्ट आया था। यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है। नेट सेल्स देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम फिगर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो पिछले कुछ सालों से खत्म हो चुका है। अदर इनकम पे नजर डाला जाए तो ये 81 लाख था 2016 में, जो बढ़ के 4.36 करोड़ हो जाता है 2020 का जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से। वैसे टोटल सेल्स या टोटल इनकम कर सकते हैं 82 करोड़ से बढ़ के 218 करोड़ हो जाता है। एक्सपेंडिचर में हर पार्ट को हम कवर नहीं करेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर पे नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर 69.39 करोड़ इस कंपनी में एक्सपेंडिचर हुआ करता था 2016 में, जो बढ़ के 155.81 करोड़ हो जाता है मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। और ये ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी कंपनी का सेल्स बढ़ता है उसका एक्सपेंडिचर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कंपनी का बिजनेस करके जो प्रॉफिट हुआ है वो 12 करोड़ से बढ़ के 57.97 करोड़ हो जाता है। बीच के पीरियड में एक बार इसको 2017 में 12 करोड़ के आसपास लॉस होता है, लेकिन वहां से कंपनी लगातार इंप्रूवमेंट दिखाती है और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये करीब 58 करोड़ हो गया है। इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कैसा प्रॉफिट बुक किया है उसके लिए भी हम केवल इसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो फाइनल स्टेटमेंट होता है उस पर नजर डाल लेंगे, और यहाँ पर ईबीटा या ईबिट पे हम नजर नहीं डालते हैं। अगर आप चाहें तो उसको डिटेल में पर्सनली एनालिसिस कर सकते हैं। 2016 में ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं करती है और मात्र 18 लाख का प्रॉफिट होता है। अगले साल ये घट के 15 करोड़ के आसपास लॉस हो जाता है और वहां से ये कंपनी रिकवर करती हुई दिखती है, क्योंकि ये 6.42 करोड़ प्रॉफिट होता है 2018 में। 19 में ये करीब 38 करोड़ हो जाता है और लेटेस्ट जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से ये 31.32 करोड़ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जबरदस्त फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। एक कंपनी एक बार लॉस भी बुक करती है, लेकिन खुशी की बात है कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने प्रॉफिट ही बुक किया है, इसलिए कहा जा सकता है ये एक अच्छा साइन है। एनुअल अर्निंग पर शेयर मात्र 0.06 देखने को मिल रहा है 2016 में, जो बढ़ के 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से 11.70 हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी का बैलेंस शीट देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए MTAR का बैलेंस शीट देखा जाए तो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है मार्च 2016 से लेकर मार्च 2020 तक, ये भी एनुअल रिपोर्ट है। शेयर कैपिटल पर नजर डालें तो 28.21 करोड़ का हुआ करता था मार्च 2016 में, जो बढ़ के 26.76 करोड़ हो गया है जो इसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से। रिजर्व्स और सरप्लस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में। ये 180.62 करोड़ से बढ़ के 198.3 करोड़ हो गया है इस सेम पीरियड में। बीच के पीरियड में थोड़ा सा ज्यादा ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्च 2019 का एनुअल रिपोर्ट जो आया था इसका 206.77 करोड़ देखने को मिल रहा है। फिर भी इस कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से कहा जा सकता है 200 करोड़ के आसपास रिजर्व या सरप्लस भी अच्छा संकेत दे रहा है। नेटवर्थ इसका 208.84 करोड़ से बढ़ के 225.08 करोड़ हो गया है पिछले 5 सालों में। इस कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज भी है और जैसा कि मैनेजमेंट ने बताया, इस आईपीओ के थ्रू जो उनको पैसा कलेक्ट हुआ है वो अपने कर्ज को कम करने वाले हैं। सिक्योर्ड लोन इस कंपनी के ऊपर 25.6 करोड़ था मार्च 2016 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, जिसमें मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलती है और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये 29.13 करोड़ हो गया है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी अनसिक्योर्ड लोन देखने को नहीं मिल रहा है पिछले 5 सालों से। बैलेंस शीट के एसेट साइज में जाया जाए तो स्टार्टिंग से ही इस कंपनी के पास अच्छा इन्वेंट्रीज का वैल्यू देखने को मिल रहा है। ये करीब 37 करोड़ हुआ करता था मार्च 2016 का एनुअल रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से, जिसमें ऑलमोस्ट डबल का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये करीब 75.46 करोड़ हो गया है। कैश एंड बैंक भी इस कंपनी के पास अवेलेबल है, जो करीब 7 करोड़ से बढ़ के 23.24 करोड़ हो गया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी इस कंपनी में अच्छा देखने को मिल रहा है। जो साइज है इस कंपनी का उसके हिसाब से ये 7.25 करोड़ से बढ़ के करीब 12.25 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है इस 5 सालों में। ओवरऑल इस कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली ठीक लग रही है और इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये रहा MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड का फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस, जिसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ इस कंपनी में कोई बहुत बड़ा इशू नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए क्या किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में पोजीशन बनाना चाहिए, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ हो सकता है आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में और भी इसमें उछाल देखने को मिले, लेकिन उसके बाद से इसमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिन्होंने भी इस कंपनी में आईपीओ ले रखा है निश्चित ही वहां पर वो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे और उसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करें, ना कि बहुत बड़ा कैपिटल एक बार में इस शेयर में इन्वेस्ट कर दें।
अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जैसे जैसे इस शेयर प्राइस में हाइक देखने को मिलेगा आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएं, और जैसे ही ठीक ठाक प्रॉफिट होने लगे प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। जिन्होंने इस कंपनी का आईपीओ ले रखा है उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ते जाएं, और जब भी आपको करेक्शन देखने को मिले या उस संभावना ऐसी लगने लगे आप अपना प्रॉफिट बुक करके इस शेयर से बाहर निकल सकते हैं। मुझे विश्वास है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह सकता हूं जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर किया अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही इस शेयर में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एमटीआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड के फ्यूचर की बात किया जाए तो मुझे ये अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है जैसे डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करती है, इसका डिमांड फ्यूचर में भी बना रहेगा, और गवर्नमेंट का जिस तरह से फोकस नजर आ रहा है डिफेंस सेक्टर या एरोस्पेस के लिए लोकली मैन्युफैक्चरिंग किया जाए उसका बहुत बड़ा एडवांटेज इस कंपनी को मिल सकता है। हो सकता है फ्यूचर में ये डिक्सन टेक्नोलॉजी के रूट पर चले और बहुत जबरदस्त मुनाफा दे अगर आप इसके शेयर में इन्वेस्ट करके लंबे टाइम तक बने रहते हैं, लेकिन अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा, इसलिए प्रिकॉशन के साथ इस शेयर में आगे बढ़ें। वीडियो के आखिरी पड़ाव में अब हम जान लेते हैं एक्सपर्ट्स का ओपिनियन इस शेयर के बारे में। मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे आईपीओ लाइनअप है और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होंगे या प्राइमरी मार्केट में जब आईपीओ आएगा आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ले, ये आपका क्वांटिटी 1/3 या 1/4 हो सकता है, वहां से आप पैसा निकाल के वेट कर सकते हैं और जो बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं मार्केट में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट पास्ट का इतिहास देखा जाए तो जितने भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, फिर भी मैं कहना चाहूंगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में शेयर जरूर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।